नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया था, दैट इज़ इंटरोगेटिव वॉइस चेंज। और इंटरोगेटिव वॉइस चेंज में मैंने दिखाया था टू टाइप्स का इंटरोगेटिव वॉइस चेंज होता है। एक होता है येस और नो और एक होता है WH टाइप। सो येस और नो टाइप का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आपको मिल सकता है मेरे अकाउंट से, YouTube अकाउंट से। आज मैं फिर से आपके सामने लाया हूँ, दैट मीन्स टुडे ऑल्सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट WH टाइप ऑफ वॉइस, हाउ कैन यू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। WH टाइप ऑफ वॉइस दैट मीन्स द वॉइस विच हैज स्टार्टेड विद WH वर्ड्स, जस्ट लाइक इंटरोगेटिव वॉइस, हु, व्हेन, व्हाट, हाउ, वेयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वेरी सिंपल, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट दिस टॉपिक, How can you will change WH type of voice? So let's begin. First sentence you can see on the screen, who did this? Very simple. When any sentence start with who, interrogative voice, then you have to see some formation. With the help of formation, कुछ formula है, उस formula के हिसाब से आपको उसको solve करना है। अगर उसका formula आपको पता है, then it will be very easy to solve it. Now what is the formula? Who से अगर कोई question दिया जाता है, अगर who से question आता है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Very simple. Who से दिया गया है तो who अगर आपका active voice में who है तो उसके लिए हमें लाना पड़ेगा by whom. ये formation है एक ठो, By whom आएगा, प्लस क्या आएगा, auxiliary verb आएगा, By whom plus auxiliary verb, By whom plus auxiliary verb plus object, ठीक है? क्या लाया मैंने यहाँ पे, What I have brought here, that is called by whom plus auxiliary verb plus object प्लस भार्व का VPP और लास्ट में आपको देना पड़ेगा इंटरोगेटिव साइन। सो इसी के फॉर्मूले के हिसाब से मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कैसे होता है। सो हु है यहाँ पे, जब हु आपके सामने नजर आ रहा है दैट मीन्स यू हैव टू ब्रिंग, व्हाट यू हैव टू ब्रिंग, यू हैव टू ब्रिंग बाय हुम। हु रहने से आपको क्या लाना पड़ेगा, बाय हुम लाना पड़ेगा। यहाँ पे लाना पड़ेगा आपको बाय हुम के साथ क्या आएगा, प्लस यहाँ पे क्या दिया है, बाय हुम ऑक्सिलरी वर्ब। तो पहले देखना पड़ेगा हमें ये वर्ब यहाँ पे दिया हुआ है डिड, डिड कौन सा टेंस में है, डिड का टेंस है ये पास्ट टेंस है, डिड पास्ट टेंस है, डिड पास्ट टेंस है, डू डिड डन। तो डिड अगर पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब क्या क्या होगा, यहाँ पे आएगा वाज या वेयर। सो बाय हुम मैंने लिख लिया यहाँ पे एंड ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे है। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे क्या आएगा, वाज एंड वेयर। तो पहले देखना पड़ेगा ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये दिस इज ए सिंगुलर नंबर, दिस इज ए सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ क्या बैठेगा, सिंगुलर के साथ बैठेगा वाज। सो बाय हुम वाज मैंने बैठा दिया यहाँ पे, बाय हुम वाज। अभी क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या आएगा, वाज के साथ ऑब्जेक्ट दिस। तो क्या है, बाय हुम वाज दिस। अभी नेक्स्ट है यहाँ पे VPP, वर्ब पास्ट पार्टिसिपल। तो वर्ब यहाँ पे है डिड, ये नजर आ रहा है डिड है, तो डिड का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, डू डिड डन। इंडिकेटिव साइन। तो आंसर तो क्या है यहाँ पे, आंसर हम लिखेंगे जब बाय हुम,
by whom was this done? क्या लिखा है मैंने, by whom was this done? ये मेरा सेंटेंस हो गया, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अभी हम जाते हैं दूसरा सेंटेंस पे। दूसरा सेंटेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी इंटरोगेटिव से है। इसमें क्या दिया है, why से शुरू किया है, why का कोई सेपरेट रूल्स नहीं होता है, why बैठ जाता है। तो why have you bought this? This sentence how can you will change into active to passive? This is active voice. So ए है तो आपका have verb है, present perfect, इसको बोलते हैं present perfect, present perfect. Present perfect में मैं पहले बोलता था, present perfect में क्या होता है, एक होता है have और एक होता है has. That means when you will solve any present perfect voice change, then you have to follow the present perfect verb. Present perfect verb यहाँ पे मैंने क्या लिखा, have, another one is called has. तो पहले यहाँ पे क्या दिया, why दिया है, तो why का कोई चेंज नहीं होगा, मैंने पहले भी बोल दिया, तो why क्या रहेगा, why रहेगा, ये why हो गया। Now you see the object, तो why have you bought this, तो ये जो this है, this आपका क्या है, object है, इसको क्या बोल सकते हैं, object, okay. तो यहाँ पे why plus ये दोनों में से एक आएगा, अभी कौन आएगा अभी पता नहीं है, इसलिए हमें देखना object कौन है। मैंने बोला this is a singular number, this is a singular, तो singular के साथ में सिंगुलर के साथ क्या बैठेगा, हैज बैठेगा यहाँ पे, पर हैव भी बैठता है सिंगुलर के साथ, अगर आई रहता है, आई के साथ हैव बैठता है और यू के साथ हैव बैठता है, यू इज अ सिंगुलर भी कह सकते हैं या प्लुरल भी कह सकते हैं, ओके। सो नाउ व्हाई सिंगुलर इज दिस, देन यू हैव टू ब्रिंग हैज, व्हाई हैज plus why has this, आ गया आपका why complete हो गया, have complete हो गया, that means this completed, बचा क्या है, bought and you. Now present perfect to present perfect active voice से passive voice करने से पहले, that means हमें क्या करना पड़ेगा, that is called why plus has plus this, अभी यहाँ पे कुछ लाना पड़ेगा हमें, ये होता है been, been plus VPP, VPP क्या आएगा, verb का past participle, जो यहाँ पे क्या बैठेगा, bought बैठेगा, bought, तो क्या आया, why has this been bought by by कौन है, यहाँ पे bought complete हो गया, बच्चा कौन, you, so यहाँ पे क्या आएगा, तो sentence जो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, simple क्या लिखेंगे sentence जो, why has this this been bought by, ये हो गया आपका सेंटेंस। तो यहां पे क्या लिखा, why has this been bought by you, ये हो गया सेकंड सेंटेंस। थर्ड नंबर यहाँ पे क्या है, दैट इज
When did you play the match? Very simple question again. यहाँ पे ये question शुरू हुआ है आपका when से. तो ये when से जब ये question शुरू होता है तो when ही बैठ जाएगा. यहाँ पे इसका कोई change नहीं होगा. यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल when यहाँ पे बैठ जाएगा. फिर आपको देखना है इसका ऑब्जेक्ट कहाँ पे नजर आ रहा है. यू हैव टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे मुझे when मिल गया एंड किसने किया, यू एक ऐसे सब्जेक्ट एंड द मैच इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. यहाँ पे वर्ब यहाँ पे दिया पास्ट टेंस डिड, मैंने बोला पास्ट टेंस है. तो पास्ट टेंस के लिए वाज एंड वे एंड यहाँ पे सपोर्टिंग वर्ब इज कॉल्ड मेन वर्ब. यू कैन से प्ले इज ए प्रेजेंट टेंस, प्ले इज ए प्रेजेंट टेंस, करेक्ट. अभी क्या करना पड़ेगा आपको, दैट इज कॉल्ड व्हेन प्लस ऑक्सिलरी वर्ब. व्हेन प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आपका फॉर्मेशन है. व्हेन प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वीपीपी प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट इंटरोगेटिव सेंस. इंटरोगेटिव एक्टिव टू पैसिव, यहां पे आपको इंटरोगेटिव सेंस देना पड़ेगा. तो अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा कैसे करना होगा. व्हेन तो व्हेन लिखेंगे यहाँ पे, व्हेन आया प्लस ऑक्सिलरी वर्ब. तो यहाँ पे डिड है यहाँ पे पास्ट टेंस, तो डिड का पास्ट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब मैंने बोला है ये वाज, ये आपका क्या आएगा वेयर आएगा, वाज एंड वेयर. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है यहाँ पे द मैच. द मैच तो व्हेन आपका कंप्लीट हो गया एंड द ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया. तो ऑब्जेक्ट द मैच है तो मैच के साथ क्या बैठेगा, वाज बैठेगा. सो व्हेन वाज द मैच. अभी क्या बचा यहां पे, प्ले प्रेजेंट टेंस है. इसका क्या आएगा, वीपीपी आएगा, बाहर पास पार्टिसिपेट. ये क्या बन जाएगा आपके यहाँ पे, प्ले प्लेड प्लेड. यहाँ पे क्या आएगा, व्हेन वाज द मैच प्लेड बाय आएगा, प्लेड बाय कौन, यू. तो आंसर क्या आया मेरा यहाँ पे, व्हेन वाज द मैच प्लेड बाय यू. आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर प्रॉब्लम आपको फिर से लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, मैं फिर से ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ आपके सामने इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर यू डूइंग. यहाँ पे कुछ और नजर नहीं आ रहा, व्हाट आर यू डूइंग क्वेश्चन पूछा. तो किससे क्वेश्चन पूछा, ये व्हाट से. वेरी सिंपल. तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, सेम वे ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ये प्रेजेंट का ऑक्सिलरी वर्ब है, प्रेजेंट है और कंटिन्यूअस है. डूइंग भार प्लस प्लस आईएनजी ये दिया हुआ है. सो हमें क्या करना पड़ेगा, वेरी सिंपल है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा. यहाँ पे व्हाट के जगह पे व्हाट ही लिखेंगे. ये व्हाट यहाँ पे है व्हाट, आर है प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस का क्या होता है, एम इज एंड आर, तीनों ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट टेंस. तो यू के साथ यहाँ पे क्या बैठा है, आर बैठा हुआ है. तो अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, व्हाट इज लिखेंगे. व्हाट इज आ गया, ये दोनों कंप्लीट हो गए. व्हाट इज अभी यहाँ पे भार डू के साथ आई एन जी लगा दिया है, डू के साथ आई एन जी है, तो मैं यहाँ पे आई एन जी टू लेके आता हूँ.
अभी आईएनजी जब लेके आया तो डू अलग हो गया, तो व्हाट इज आईएनजी तो नहीं लिख सकते, यहाँ पे मुझे बी लिखना पड़ेगा, इज कॉल्ड व्हाट इज बीइंग। अभी डू का क्या होगा, वीपीपी लिखना पड़ेगा, तो क्या होगा, डू डिट डन, व्हाट इज बीइंग डन, फिर बाई आएगा, बाई अभी कौन आएगा, सब्जेक्ट यू। आंसर क्या हो गया आपका, अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिखेंगे व्हाट व्हाट इज बीइंग, व्हाट इज बीइंग डन बाय, ये हो गया आपका आंसर फोर नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या था आपका, जो व्हाट आर यू डूइंग, आंसर क्या है, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, क्वेश्चन नंबर फोर। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, मैंने पहले बोला जे क्वेश्चन नंबर फाइव यहाँ पे फिर से शुरू किससे हुआ, क्वेश्चन नंबर फाइव शुरू है आपका हु से, हु रहने से क्या होगा आपका, इसको चेंज करने से क्या करना पड़ेगा, बाय बाय होम, तो हु रहने से आपको क्या लाना पड़ेगा, बाय होम, तो मैं यहां पे इसको क्या करूंगा, हु रहने से ये आग बंद करके मैं इसको बाय होम लिखा, बाय होम, तो हु कंप्लीट हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या लाया, ए लायर, यानी यहां पे लिख दे ए बाय होम, ए लायर। अभी यहाँ पे क्या है, कैन है, तो यहाँ पे क्या बैठेगा, कैन कैन ही बैठ जाएगा, बाय हुम कैन, बाय हुम कैन ए लायर, कैन के साथ मॉडल्स जो होता है, मॉडल्स यहाँ पे कैन है, कैन के साथ क्या बैठेगा, कैन बी प्लस वीपीपी, यहाँ पे क्या आएगा, बाय हुम कैन ए लायर बी, तो क्या है आपके यहाँ पे, हु से मैंने यहाँ पे लाया बाय हुम, कैन कैन बैठ गई यहाँ पे, कैन ऑब्जेक्ट आ गया आपका यहाँ पे, इसका बाय हुम कैन ए लायर बी ट्रस्ट है, यहाँ पे ट्रस्ट का भी पीपी आएगा, ट्रस्टेड, बाय हुम कैन ए लायर बी ट्रस्टेड, लाइक दिस वे यू कैन सॉल्व एक्टिव टू पैसिव डब्ल्यूएच क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन अगेन आपके सामने है, हाउ, क्लियर, ये क्वेश्चन शुरू है हाउ से, हाउ का कोई सिंपल नहीं है, हाउ हाउ रह जाएगा यहाँ पे, जैसे हाउ है हाउ यहाँ पे लिखेंगे, मैं हाउ लिख दिया, क्लियर, हाउ। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट इज इट, इट इज अगेन सिंगुलर, सो हाउ के बाद यहाँ पे भाव क्या, डीड है, जो हम लोग कर चुके हैं पहले, डीड दैट मीन्स वाज एंड वेर, सो हाउ इज हियर, नाउ आई विल ब्रिंग इट, हाउ इट दैट मीन्स डीड इज हियर, डीड इज वाज वेर, did means was and were, did मतलब past tense है, तो obviously past tense का मैंने पहले भी बोला, past tense का auxiliary verb was and were होता है, तो it के साथ क्या बैठेगा, it के साथ was बैठेगा, so how was, how was it, अबे do है main verb, तो do का VPP क्या आ जाएगा, done आ जाएगा, how was it done, अभी बचा कौन, you, by you, interrogative sign, so इस sentence को कैसे लिखना है, very simple है, how के जगह पे how लिखेंगे, how, did है बोल के यहाँ पे was लाया, how was, object it यहाँ पे दिया हुआ है, it, how was it, done,
बाई, बाई क्या आएगा, यू। कंप्लीट। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। हु रोट दिस बुक, अगेन आपके सामने मैंने क्या लाया, हु लाया। बार बार एक चीज रिपीट करने से याद हो जाता है, तो हु रहने से आग बंद करके आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने बोला है बार बार, हु लगाने से क्या लाना पड़ेगा, बाय बाय हु। फॉर्मूला में क्या आएगा, बाय हुम प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वीपीपी इंडिविजुअल। सो क्या है, हु रोट दिस बुक, दिस बुक्स इज अ, दिस बुक इज अ ऑब्जेक्ट, हु रोट दिस बुक, सो बाय हु। दिस बुक इज अ सिंगुलर नंबर, दिस बुक इज अ सिंगुलर, अगेन सिंगुलर के साथ आपको क्या बैठेगा, बाय हुम वाज, वाज बिकॉज वाज क्यों बैठा है, क्योंकि रोट है, ये रोट कौन सा टेंस पे आता है, रोट आता है आपका पास्ट टेंस पे, रोट पास्ट टेंस पे आया। तो हु रोट दिस बुक, रोट इज अ पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, मैंने बार बार बोला पास्ट टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब होता है वाज एंड, वाज एंड वेयर। तो यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या बैठेगा, दिस बुक के साथ वाज बैठेगा। तो यहाँ पे क्या है, बाय हुम वाज, अभी कौन आएगा, बाय हुम वाज ऑब्जेक्ट दिस बुक, बाय हुम वाज दिस बुक वीपीपी है, यहाँ पे भार भार रोट, राइट रोट रिटेन। तो आंसर क्या है, वेरी सिंपल आंसर, फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, बाय, बाय हुम वाज दिस बुक रिटन। ये 7 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन इज देयर, हुम से है, तो वेरी सिंपल, हु से जब क्वेश्चन था, जब हमने हु से क्वेश्चन किया था तो बाय हुम लाया था, अभी हुम से क्वेश्चन है तो हमें क्या लाना पड़ेगा, हुम से क्वेश्चन होने से, हुम से यहाँ पे क्वेश्चन दिया है तो हमें क्या लाना पड़ेगा, हु लाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, हु लाना पड़ेगा। ओके, तो बाय हुम, बाय हुम, हु रहने से बाय हुम करते थे, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी बाय तो नहीं है, हुम है, तो हुम होने से हमें यहाँ पे हु करना पड़ेगा। तो हु रहने से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बाय हुम, सो हुम है यहाँ पे, जब यहाँ पे हुम है तो हमें इसको लाना पड़ेगा हु। तो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन में आंसर हम सॉल्व करेंगे ऐसे, हु आ गया यहाँ पे, अभी यहाँ पे वाज है, तो डिड है, डिड इज अ पास्ट टेंस, सो डिड इज अ पास्ट टेंस, सेम वाज एंड वेयर, हु के साथ क्या बैठेगा, हु वाज प्लस was VPP plus by plus subject interjection। हम जब आंसर करेंगे आंसर तो क्या होगा, who आया, who was, was मैंने लाया कहां से लाया, वाज मेरा डीड से, डीड से वाज आया, हु वाज इनवाइट, इनवाइट इज ए पास वीपीपी है यहाँ पे, तो इसको क्या हो जाएगा, इनवाइटेड, हु वाज
was invited by तो सेंटेंस जो क्या है who was invited by you नंबर नाइन क्वेश्चन यहाँ पे दिया ये व्हाई पहले क्वेश्चन है व्हाई भार्व यहाँ पे आया डिड द विजिटर सब्जेक्ट ये व्हाई ये वर्ब ये सब्जेक्ट ये मेन वर्ब द कार इज ऑब्जेक्ट एंड द प्लेस तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा वेरी सिंपल पहला आएगा वाई या फॉर्मेशन में आएगा वाई प्लस ऑक्सिलरी वर्ब फॉर्मेशन में लिख रहा हूँ पहले वाई प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वाई ऑक्सिलरी वर्ब देन वीपीपी देन सब्जेक्ट वाई वीपीपी देन बाय प्लस सब्जेक्ट सो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा वेरी सिंपल यहाँ पे लिखना पड़ेगा वाई डीड है यहाँ पे वाज ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपके सामने द कार है तो वाई वाज द कार वाई वाज द कार ऑब्जेक्ट चला गया ऑब्जेक्ट वर्ब चला गया एंड वीपीपी पार्क मेन वर्ब इज देयर यू हैव टू चेंज इनटू पास्ट पार्टिसिपल इट्स कॉल्ड पार्क्ड तो व्हाई वाज द कार पार्क्ड बाय अभी व्हाई चला गया आपके सामने व्हाई आपने लिख लिया डीड से आपका वाज आ गया पार्क का वीपीपी पार्क्ड हो गया द कार कंप्लीट हो गया बचा कौन द विजिटर दैट मींस व्हाई वाज द कार पार्क्ड बाय बाय द कौन आएगा विजिटर विजिटर लास्ट में क्या हियर कंप्लीट तो मैंने क्या किया यहां पे व्हाई आया यहां पे तो व्हाई डिड द विजिटर पार्क द कार हियर आंसर है और फॉर्मूला में हमने क्या किया फॉर्मूला में हमने लिखा यहाँ पे जो वाई ऑक्सिलरी वर्ब ऑब्जेक्ट वीपीपी बाय देन सब्जेक्ट ये फॉर्मूला है तो फॉर्मूला के हिसाब से मैंने यहाँ पे पुट कर दिया वाई के जगह वाई दिया ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे रहा तो डीड है यहाँ पे डीड से डायरेक्ट मैंने यहाँ पे क्या लिया वाज लाया एंड वाज लाया द कार यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपके यहाँ पे द ऑब्जेक्ट इज ये ऑब्जेक्ट में यहाँ पे लिख द कार तो वाई वाज द कार अभी पार्क है यहाँ पे पार्क इज ए मेन वर्ब सो पार्क को मैंने पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर दिया पार्ट व्हाई वाज द कार पार्क बाय हुम बाय द विजिटर हियर दिस क्वेश्चन नंबर 9 नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन 10 एक मिनट ये क्वेश्चन शुरू है आपका व्हेन से व्हेन डिड यू टेल द स्टोरी सो अगेन डिड आया यहां पे डिड इज अ पास्ट टेंस अगेन यू इज अ सब्जेक्ट टेल इज अ मेन वर्ब एंड द स्टोरी इज अ ऑब्जेक्ट इसको क्या करना है इसको सामने लाओ इसको लास्ट में लाओ सब्जेक्ट आ गया
ये ऑब्जेक्ट आ गया, प्लस ये जो एम बी है इसको मैंने क्या किया भी पी पी कर दिया, प्लस बाई लगा दिया, प्लस सब्जेक्ट। तो ए पोर्शन का मैंने आपको कंप्लीट कर दिया, वेरी सिंपल। ऑब्जेक्ट को मैंने सामने लाया, सब्जेक्ट को मैंने लास्ट कर दिया, जब इंटेग्रेटिव साइन दे देते हैं। अच्छा, ये जो मेन वर्ब है इसका मैंने भी पी पी यहाँ पे लिख दिया, और इसके बाद क्या बाई आया, बाई एंड देन सब्जेक्ट, बचा कौन, व्हेन। तो व्हेन यहाँ पे लिख देंगे, व्हेन लिखा, अभी लास्ट बचा डिड। सो डिड से पास्ट टेंस है, वाज वेयर आता है, वेरी सिंपल। अभी ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को फॉलो करके यहाँ पे आएगा, ऑब्जेक्ट है द स्टोरी, द स्टोरी इज ए सिंगुलर, अगेन इट इज ए सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर। तो सिंगुलर नंबर के लिए यहाँ पर वाज आएगा, यहाँ पे आएगा व्हेन वाज। तो हमारा तो आंसर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, व्हेन वाज, व्हेन वाज क्या था यहाँ पे, द स्टोरी, व्हेन वाज द स्टोरी। व्हेन वाज When was object आएगा the story, when was the story, and now tell, you see tell is here, tell told told, तो VPP क्या आएगा इसका, told आएगा, when was the story, when was the story told, told by बाई कौन आएगा, बाई सब्जेक्ट, ये कौन है, ये आपका सब्जेक्ट है, तो क्या है बाई यू, डेड सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप दिस वीडियो विल बी लाइक्ड बाय द स्टूडेंट्स, and it will obviously help the students, if they will follow in this way then they can understand, and anyone have any confusion or anything then they can ask me, or in the comment box they can write where they have a problem, then I will try my level best